लाइफ, यू आर लाइफ यहाँ पे लिखा आ रहा है, और बाकी सभी दोस्त जल्दी से बताएंगे कि आप लोगों तक विनीत सर वीडियो और वॉइस ट्रिपल वी अच्छे तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जल्दी से सारे दोस्त कंफर्म करेंगे, प्रॉपरली ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है या नहीं है। कौन कौन आ गया है? अर्पित जी आ गए हैं, सीएमए एस्पिरेंट, ओके। आनंद भी आ गए हैं, अभिनंदन, ओके जी, आनंद क्लियर है, ओके। एस्पिरेंट जी कह रहे हैं सर क्लियर है, अभिनंदन भी कह रहे हैं क्लियर है, अर्पित भी कह रहे हैं क्लियर है। चलो वंडरफुल, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम। तो एक बार फिर से वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और क्या हाल चाल है आप दोस्तों के, फटाफट से बताएं सारे के सारे, कैसी चल रही है एग्जाम की प्रिपरेशन? उम्मीद करता हूं आप सभी का जो फेस्टिव सीजन है वो बहुत अच्छा रहा, बढ़िया रहा। और आज हम अपना कंटेंट जो है उसके बाद शुरू कर रहे हैं, ओके। तो चलो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, समय को बर्बाद किए बगैर। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में जब हमने कॉस्टिंग वाला कंटेंट अपना खत्म करा, वहां पर हमने डिसाइड करा था कि हम अपने फर्दर सेशंस में जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है, भाई सीएमए फाउंडेशन में जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो खाली इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट है। 30% हमारा सिलेबस कंप्लीटली मैनेजमेंट का है, और क्योंकि ये थ्योरेटिकल कंटेंट है पूरा का पूरा, तो इसको लेकर अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं कि सर थ्योरी कैसे याद करें, क्या करें, एग्जाम में ज्यादा दिक्कत तो नहीं देगी। तो देखिए, कमांड के ऊपर बात है, आपके थ्योरेटिकल कंटेंट के ऊपर कितनी कमांड है, कितने आसानी से, कितने अच्छे तरीके से आप टॉपिक्स को याद कर लेते हो, ये चीज मैनेजमेंट में मायने रखती है, ओके। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम अपना जो कंटेंट कर रहे हैं आगे यहाँ पर, उसमें मैनेजमेंट वाला पोर्शन हम सारा का सारा कवर करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में मैनेजमेंट का जो चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 है उसको मैं अच्छे तरीके से आपको कराऊंगा, पूरा कंटेंट उसको बताऊंगा। जिस तरीके से जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, प्लीज उनको नोट डाउन करिएगा और उसी के हिसाब से एक बारी के क्विक रिविजन आप अपने कंटेंट को दे सकते हैं, ओके। तो चलिए कंटेंट को शुरू करते हैं। अच्छा, कंटेंट करना कहां से है? कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सीधा अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मॉड्यूल है वो फॉलो करना। कंप्लीट थ्योरी है, मैं आपको मॉड्यूल से ही पढ़ाने वाला हूं, तो सेपरेटली आपको कौन से नोट्स फॉलो करने चाहिए, क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, उन सब झंझटों से हम दूर रहेंगे। अपना मॉड्यूल पकड़ेंगे, इंस्टीट्यूट के कंटेंट पर जाएंगे और उसी के हिसाब से अपना मैनेजमेंट का सारा पोर्शन कवर करेंगे, ठीक है। बस आपको साथ में पेंसिल नोटबुक वगैरह रखनी है, मॉड्यूल अगर आपके पास है तो वो तो और भी अच्छी बात है, वहीं पर ही आप टिक लगा सकते हो, पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो, ओके। तो चलो दोस्तों आगे कंटेंट को बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका, तो यहां पर हमारे सामने सबसे पहला टॉपिक जो आ जाता है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या? इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट की जब मैं बात करूं तो मैनेजमेंट वर्ड आ गया। क्या होता है मैनेजमेंट? अगर आपने 11th 12th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, अगर कॉमर्स स्ट्रीम होगी तो डेफिनेटली पढ़ा होगा, तो आप मैनेजमेंट की मीनिंग बेशक बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ओके। यहां पर अगर मैं मैनेजमेंट वर्ड की बात करूं तो तीन वर्ड हमारे सामने आते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी रिसोर्सेज है, ठीक है, उसका इस्तेमाल, उसको उसका इस्तेमाल ह्यूमंस के जरिए, एक मैन पावर के जरिए करना और उससे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना, इन तीन वर्ड्सों पर पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो टिका हुआ है, ओके। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, एक प्रोप्राइटरशिप है, एक छोटा सा फर्म है, कुछ भी है, आपकी स्टडीज है, व्हाटएवर, आपके पास कुछ ना कुछ रिसोर्स होगा उस बिजनेस को चलाने के लिए। उस बिजनेस को चलाने के लिए जो रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। कौन करेगा? आप करेंगे। किससे? खुद, सारा का सारा काम खुद तो नहीं करेंगे, औरों से भी करवाएंगे। किससे करवाएंगे? ह्यूमन से करवाएंगे। और डेफिनेटली ये जो आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करोगे, ये किस पर्पस के लिए करोगे? अबाउट द गोल्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं उसके हिसाब से आप अपना कंटेंट कवर करोगे। तो मुश्किल था कि आसान था? सिंपल सी मीनिंग सर। इसी की डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें, मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैंने बोला, अंडरलाइन करिए, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो अंडरलाइन करिए। मैनेजिंग अदर्स मैन टैक्टिफुली टू अचीव सम प्री डिटरमाइंड गोल्स, जो ऊपर हमने ये तीन वर्ड्स लिखे, क्या इससे कुछ डिफरेंट कंसेप्ट है? हमें अपने जो मैन पावर है, जो रिसोर्सेज है, उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना है।
हमें मैनेजर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि हम अपने गोल्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के टारगेट को अचीव कर पाए। क्या इससे सिंपल मीनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है मैनेजमेंट की? इसके अलावा अगर एक और चीज हम देखें यहां पे विदाउट जब हम इसको एक और डेफिनेशन देखें विदाउट ये वर्ड अंडरलाइन करिएगा एबल्ड मैनेजर। अगर एक अच्छे मैनेजर आपकी कंपनी में नहीं है आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो फाइनेंशियल मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट है उनके हेड उनके उनको चलाने वाले मैनेजर अच्छे नहीं है तो उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन है आपका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे और गोल से जो कंपनी है वो कंप्लीटली वंचित रह जाएगी। ओके ये सिंपल सी मीनिंग हमारी मैनेजमेंट की जो निकल कर आती है। क्या मीनिंग में मैनेजमेंट की मीनिंग में किसी को कोई भी डाउट दोस्तों बताएं जल्दी फटाफट से। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग जो हम बात कर रहे हैं सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग क्या किसी को कोई भी डाउट कि मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होनी चाहिए क्या इसके अंदर कंटेंट आता है? ठीक है तो हमने तीन वर्ड याद रखने रिसोर्स हो गया ह्यूमन हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेस को ह्यूमंस के जरिए बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल करें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे करें दैट इज व्हाट मैनेजमेंट। यस और नो क्लियर हुआ कि नहीं जल्दी से बताएं फटाफट से आगे बढ़ते क्या ये वाला मैनेजमेंट वाला पॉइंट आपको क्लियरली अच्छे तरीके से समझ आया? यस और नो बताएं। चलो ठीक है वंडरफुल आगे बढ़ते हैं। ठीक है मैनेजमेंट अब इसके कुछ बेसिक फीचर्स ठीक है देखो थ्योरी है जब हम बात कर रहे हैं इस चीज पर नजर डालिएगा। ओके थ्योरी में आप लोगों का पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है तो अगर मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव पेपर होता तो हमें समझ आता है कि हमें टू द पॉइंट एक पूरे के पूरे लाइन सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो हमारा थ्योरी का जो टारगेट है काफी आसान हो जाता है। What you have to do कि आपको एक मेन कंटेंट को सिर्फ याद करना है रीड करना है एक सेंटेंस फॉर्मेशन और पूरी की पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। ओके अब मैंने बता दिया ना मैनेजमेंट का तीन वर्ड बता दिए मैंने रिसोर्सेज ह्यूमन और गोल्स आप कहीं पर भी इसको फिट कर सकते हैं कहीं पर भी फिट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से भाई मैनेजमेंट और क्या है इसके बारे में अगर हम बात क्या करें तो क्या चीजें हैं ये तो मैनेजमेंट के अंदर दोस्तों आपको पता होगा मैं यहां पर थोड़ा सा 11th या 12th क्लास जब भी आपने मैनेजमेंट का पोर्शन पढ़ा सीबीएसई में ऑब्वियसली आपका 12th में है स्टेट बोर्ड में हो सकता है 11th में भी हो आपको मालूम होगा कि मैनेजमेंट के साथ ये दो वर्ड हमेशा जुड़ते हैं एक प्रोसेस और प्रोसेस आप समझ गए होंगे बेसिकली क्या था। ठीक है और दूसरा मैं आपको बता चुका हूं ऑब्वियसली ह्यूमन एफर्ट्स ओके जो मैंने अभी आपको बताया। प्रोसेस क्या है बताइए प्रोसेस क्या है कोई बताएगा मुझे प्रोसेस क्या व्हाट इज प्रोसेस अबाउट मैनेजमेंट? सर यही तो सिलेबस है आगे सिलेबस में भी पढ़ना है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कि किस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं किस तरह से स्टाफ तैयार करते हैं किस तरीके से हम उनको डायरेक्ट करने का जो जिम्मा है उठाते हैं कंट्रोल कैसे करते हैं। इसके अलावा आर और बी भी होता है रिपोर्टिंग एंड बजटिंग वो हालांकि आपने सीबीएसई में नहीं पढ़ा होगा। ओके क्लियर तो ये जो चीजें हैं प्रोसेस है और ये सब क्या है ये सब आपकी सारी की सारी यही शब्द बिल्कुल यहां पे इस्तेमाल करा गया है इंटर रिलेटेड एक्टिविटी। क्या है इंटर रिलेटेड यस एग्जैक्टली ये आपने जैसे POSDC बोला स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग बोला ये सभी चीजें ओके ये सब क्या है ये इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज है। तो ये जो आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज ये इसी का पार्ट है। ठीक है इसके बाद दोबारा से वही ह्यूमन एफर्ट्स के बारे में बता दिया। ओके ये क्या है एक सोशियोलॉजी है आप इसको इस सब्जेक्ट को एक सोशियोलॉजी भी कह सकते हो। सर सोशियोलॉजी का यहाँ पे क्या मतलब देखो सुनो मेरी बात सोशियोलॉजी भी है साइकोलॉजी भी है। आप एक कंपनी के मैनेजर हो ओके आप किस तरीके से सोचते हो ये आपकी साइकोलॉजी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को अचीव करने के लिए आप किस तरीके से सोचते हो ये आपकी साइकोलॉजी है सोशियोलॉजी नहीं साइकोलॉजी है। लेकिन खाली सोचने से काम चलेगा क्या नहीं आप जो सोच रहे हो आप जो प्लानिंग कर रहे हो आप जो पॉलिसीज बना रहे हो उसको लेकर आपको अपने स्टाफ के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। सो यू हैव टू क्रिएट अ सोशल एनवायरनमेंट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे दैट इज साइकोलॉजी है ना। आप खुद क्या कर रहे हैं वो साइकोलॉजी है और आप अपने एनवायरनमेंट को अपने ऑब्वियसली मैं जब बात कर रहा हूं एनवायरनमेंट तो अपने जो मैनेजर अदर मैनेजर्स हैं स्टाफ है एम्प्लॉइज है उनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो कैसे उनसे बना के चल रहे हो दैट इज सोशियोलॉजी और ये जरूरी है
क्योंकि ये हमारे एम्प्लॉयज ठीक रहेंगे तभी तो हमारे गोल्स जो है वो अचीव होंगे. ओके, तो ये मीनिंग समझ के चलिएगा. ओके, तो सिंपल सिंपल सी चीजें आपके मॉड्यूल में यहाँ पर बताई गई है, आपको इनके बारे में, इनकी हेडिंग्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब ध्यान देना जरा दोस्तों, इसके बाद आ जाती है डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट. और डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट की जब हम बात करें तो ये थोड़ी सी खामी रही है आपके मॉड्यूल में. ठीक है, मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट की ज्यादा बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहूंगा कि जो इन्होंने कंटेंट डाला है थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज वे में है. ओके, बस डाल दिया, मैनेज हमें ही करना पड़ेगा. कैसे, अगर आप देखो तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट में इतने सारे राइटर्स की अलग अलग डेफिनेशन सारी की सारी जो है वो लाके एक जगह रख दिए, तो ऑब्वियसली ये सारी की सारी डेफिनेशन एक सिरे से याद करना जो है वो बहुत पॉसिबल ही नहीं है. कहां तक याद करोगे, और पहली बात क्यों याद करोगे, डेफिनेशन मैनेजमेंट की हद है एक क्वेश्चन की आएगी तो उसके लिए इतना सारा का सारा थोड़ी ना याद करना है, तो नहीं याद करना. ठीक है, क्या याद करना है, वो काम मैंने आपका आसान कर दिया है. अगर आपका पेपर आ रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप तो डेफिनेशन पूरी की पूरी लिखने को तो आएगी नहीं. ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि किस राइटर की कौन सी डेफिनेशन है, इतना पूछ सकता है, तो वो कैसे याद करोगे. देखो बड़ा सिंपल सवाल है, मैंने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट हमारे राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, उनकी डेफिनेशंस को बता दिया. कैसे याद करना है, देखो ये मैंने ऑलरेडी टिक लगा रखा है, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो पता चल जाएगा. जी आर टेरी, जॉर्ज आर टेरी को रिलेट करना प्रोसेस के साथ, कि जो प्रोसेस वाली डेफिनेशन है वो टेरी साहब ने दी है. ठीक है, हेनरी फ्लिफियोल की डेफिनेशन आती है, हेनरी फ्लिफियोल की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, काफी बड़े हमारे थिंकर रहे हैं. तो जहां भी टू 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 आ जाए, ये करो वो करो ऐसे करो वो करो, तो वो डेफिनेशन हमारी हेनरी फ्लिफियोल साहब की है. ठीक है, पीटर एफ ड्रेकर, मल्टीपर्पस, ये वर्ड याद रखना, बहुत सारी एक्टिविटीज को एक जगह लाना, मैनेज करना, वो पीटर एफ ड्रेकर की डेफिनेशन है. कोन्स एंड ओडोल की ये वाली जो डेफिनेशन है ये भी काफी पुरानी है, काफी अच्छी है, तो इसमें वर्ड याद रखना एनवायरमेंट. जब एनवायरमेंट को फोकस कर मैनेजमेंट को समझाने की बात करी गई है तो वो के एन ओ या कोन्स एंड ओडोनल की आपकी डेफिनेशन है. तो इस तरीके से आप याद करना, पहले डेफिनेशन एक बार रीड कर ली और उसके बाद कौन सा राइटर किससे रिलेटेड है, बस इस तरीके से नोट बना लेना छोटे से, आपको आइडिया मिल जाएगा कि डेफिनेशंस को आप कैसे कवर करोगे. बराबर है, सही तरीका, कुछ गलत पुराई इसमें है तो बताएं फटाफट से. ठीक है, तो ये डेफिनेशन से हमारी सारी की सारी याद करने की, जैसे मैंने बोला, बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप सिंपल तरीके से करें. और एंड में इन्होंने बता दिया एक तरह से एक और डेफिनेशन जो कंबाइंड है, एक और डेफिनेशन मैनेजमेंट की, ऊपर का सारा क्रक्स बना दिया कि इट इज क्लियर दैट द मैनेजमेंट इज अ टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वर्क फ्रॉम अदर्स. फिर वही घूम फिर के बाद, अदर्स का मतलब ह्यूमन आ गए, मैन पावर आ गई. ठीक है, एंड इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेटेड मैनर टू रियलाइज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव गोल्स आ गए थ्रू प्रोडक्टिव यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज आ गए. तो हमेशा घूम फिर के बात उन्हीं तीन वर्ड पर आ जाएगी, रिसोर्सेज, मैन पावर और ऑब्जेक्टिव. क्या यहां तक किसी दोस्त को मेरे कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या कंटेंट हमारा आसानी से समझ आ रहा है? क्लास देखने के बाद बस आपका एक छोटा सा काम रह जाएगा कि आपको जस्ट रीडिंग देनी होगी कंटेंट को, और आई एम 100% श्योर सारा का सारा इफेक्टिवली अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. ये सारा का सारा क्लियर है? जल्दी बताइए यस और नो. जो अभी तक हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन की बात करी, क्या इसमें कोई डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताइए. ठीक है, ऑल क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, वंडरफुल वंडरफुल. अगला वर्ड दोस्तों हमारे सामने आ रहा है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट. बहुत सिंपल, इसमें कोई भी डिफिकल्टी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी. यार अभी तक हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी मैनेजमेंट के बारे में, स्कूलिंग में भी हमने पढ़ी, हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, हम अपने पढ़ाई की मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं. एग्जाम आने वाले तो एंड मोमेंट पे हम अपने कंटेंट को देख रहे हैं, कौन सा टॉपिक रह गया, कौन सा टॉपिक छूट गया, किसमें ज्यादा रिविजन करनी है, क्यों, रीजन बिंग क्यों. मैनेजमेंट इसलिए करें कि सर हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आ सकें, वो हमारा गोल है. दैट इज व्हाट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज व्हाट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट. ओके, अब इसमें एक भी वर्ड बताओ जो आपको ना आता हो, एक वर्ड बता दो जो आपको ना आता हो. सारे के सारे वर्ड्स आप ऑलरेडी पहले से जानते हो. सबसे पहला रिजल्ट ओरिएंटेड, सर गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, अभी पढ़ा हमने, दैट इज द मेन डेफिनेशन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. तो गोल ओरिएंटेड होता है, मालूम है हमें. ह्यूमन, भाई इंसान अप्लाई करेंगे, मशीन अपने आप नहीं चलने लग जाएंगी,
उनका जो टारगेट है, जो तरीका है रिसोर्सेज को यूज करने का, वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। प्रोसेस है हम जानते हैं, इसके अलावा यूनिवर्सल है, हर जगह आपका मैनेजमेंट अप्लाई होगा। आप एक छोटी सी चाय की दुकान की बात कर लीजिए, या एक हवाई जहाज, एक एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी की बात कर लीजिए, मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। एक क्रिकेट मैच में भी आपकी मैनेजमेंट लगती है, और एक कंपनी के प्रोडक्ट को लॉन्च करने में भी मैनेजमेंट लगती है। ओके, तो सीधी सी बात है, ये आपका यूनिवर्सल एक्टिविटी है। इसके बाद एज अ साइंस, एज एन आर्ट, इनको भी हम करेंगे, अभी शुरू करेंगे। ओके, इसके बाद ग्रुप एक्टिविटी, अथॉरिटी, हमें हक किसी को देना पड़ता है। मैनेजर कौन है? एक अथॉरिटी, एक पावर है इनके पास, ठीक है। गुड लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया होगा, तो डायनामिक एक्टिविटी, आज के टाइम पर एनवायरनमेंट हमारा बहुत ज्यादा डायनामिक है, रेगुलर बेसिस पर चेंज होता है। तो मैनेजमेंट भी ऐसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि जो ट्रेडिशनल तरीकों पर फोकस रहे, ट्रेडिशनल पैटर्न्स के हिसाब से काम करती रहे, नहीं, मैनेजमेंट को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज भी होना पड़ेगा। ओके, सो दीज आर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। आपको टू द पॉइंट सारे के सारे, इनके अंदर क्या कंटेंट है याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला आपको अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई उस तरीके से करनी है कि किस पैटर्न से आपका एग्जाम आने वाला है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, हाँ जी सर, तो हम बस कंटेंट की हेडिंग्स और उनके ओवरव्यू को लेकर बात करेंगे, अंदर कंटेंट क्या लिखना चाहिए उसकी बात नहीं करेंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एज अ साइंस और एज एन आर्ट, ये दो हेडिंग आती है, और इसको कराने का बहुत ही सिंपल तरीका मैं यूज करता हूं, बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत आसान है। ओके, मैं अपने स्कूलिंग में भी इस्तेमाल करता हूं। सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी में क्या फर्क होता है? देखो, अथॉरिटी होता है बेसिकली अपनी पावर किसी को आगे फॉरवर्ड करना, या कह सकते हो अपनी पावर से किसी और को कमांड देना, दैट इज अथॉरिटी। अब ये अथॉरिटी है, डिसीजन यहां पर गया है, कमांड यहां पर गई है, तो इधर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को पूरा करना। ये इस तरह से कनेक्टेड है, लेकिन ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी चिंता मत करिए, अभी आगे टॉपिक हम करेंगे तो उसमें आएगा, तब इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साइंस एंड आर्ट का। देखो, बड़ा सिंपल सा तरीका, मैं आपको तीन वर्ड में खत्म कराऊंगा दोनों के दोनों, ठीक है। साइंस की बात करते हैं। देखो, जब साइंस आपने पढ़ा, सर फिर से आ गया, टेंथ में छोड़कर आए थे, बड़े परेशान थे इससे, कोई बात नहीं, भी थोड़ी सी हेल्प लगेगी। जब हम साइंस पढ़ते थे तो तीन सब्जेक्ट बेसिकली हम पढ़ते थे, एक पढ़ते थे फिजिक्स, एक पढ़ते थे केमिस्ट्री, और एक पढ़ते थे बायोलॉजी, ठीक है। ये तीन पार्ट हुआ करते थे। जब हम फिजिक्स की हम बात करते थे, पी की हम बात करते थे फिजिक्स की, तो उसमें हम वो चांद सितारे और ब्रह्मांड, ये पृथ्वी घूम रही है वगैरह वगैरह, इन सब चीजों की बात करते थे। ये एक टॉपिक हुआ करता था, चीजें तो और बहुत थी, तो हम पढ़ते थे यूनिवर्स के बारे में, है ना। किसके बारे में पढ़ते थे? यूनिवर्स के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। सी मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में सर वही पता नहीं अलग अलग तरह के लिक्विड होते थे, एक दूसरे से शीशी में डालते थे, कभी धुआं उठता था, कभी बोतल फट जाती थी, पता नहीं क्या क्या होता था। तो इसी दूसरे तरीके से हमने उनको नमस्ते कह दिया, केमिस्ट्री हमारे बस की नहीं है। तो इसमें हम क्या करते थे? अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, ठीक है। ओके, जब बायो की बात होती थी तो बायो में बेसिकली क्या है कि शरीर के भाग क्या है, वहां पे कभी मेंढक काटा, कभी चूहा काटा, इस तरीके से पार्ट किया करते थे। तो हम वहां पर बेसिकली मानव शरीर के बारे में, जानवरों के शरीर के बारे में, बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा करते थे। ओके, यूनिवर्स, एक्सपेरिमेंट, बॉडी, ये तीन वर्ड याद रहेंगे? हाँ जी सर, याद रहेंगे। आओ देखो जरा कहां गया? हाँ जी, मैनेजमेंट एज अ साइंस, वही वर्ड्स हैं सारे के सारे, सिस्टमैटिक बॉडी, बॉडी वर्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये वर्ड आ गया। उसके बाद एक्सपेरिमेंट आ गया। इन तीन वर्ड से पूरा का पूरे फीचर्स आपने पढ़ लिए एज अ साइंस। साइंस की तरह मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक सब्जेक्ट है जो हमें पढ़ना पड़ता है, पढ़ते हैं, इतने सारा सिलेबस आप पढ़ोगे, है ना, साइंस की तरह। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जैसे साइंस हर जगह चलता है पूरी दुनिया में, मैनेजमेंट भी चलती है। अभी हमने बात करी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट अप्लाई होगी। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, बिल्कुल। यहां पर दोस्तों ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन आप एक मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हो, ये ऐसे ही नहीं कि ओवरनाइट जो है डिसाइड हो गए, कि रात को सपने में कोई आया और उसने बोला कि ये होते हैं हेनरी फियोल के 14 प्रिंसिपल, तो इसलिए अगले दिन सुबह उठकर हेनरी फियोल ने वो 14 प्रिंसिपल बोल दिए, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने वो प्रिंसिपल्स, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं हेनरी फियोल का,
उन्होंने वो प्रिंसिपल्स अपनी कंपनी में लगाए, उनको ऑब्जर्व करा, देखा, एक्सपेरिमेंट करा, चेंजेस करे, तब जाके उन्हें पता चला कि हाँ ये 14 प्रिंसिपल बिल्कुल सही है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंटल बेस है, मैनेजमेंट इज अ एक्सपेरिमेंट, करके देखा, अच्छा लगा, हाँ जी इसको आगे भी करेंगे, ये पॉलिसी बना के देखी, नहीं चली तो आगे मत अप्लाई करना। ओके, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। एंड यस, इसके बाद अगर आप दो पॉइंट और देखें तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? आप सुबह उठे, आपने पढ़ाई करी तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, इट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, आप कुछ काम करते हो उसका रिएक्शन आपको मिलता है। ओके, आप पढ़ाई करोगे तो मार्क्स आएंगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। लेबर्स का काम, अपने एम्प्लॉइज का काम आप अच्छे तरीके से डिवाइड करोगे तो प्रोडक्शन बढ़िया होगा, और अच्छे तरीके से डिवाइड नहीं करोगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो आप करोगे वो अप्लाई होगा। बराबर समझ आ गया? मैनेजमेंट इज अ साइंस, क्या इसको आसानी से आप सभी ने याद कर लिया, समझ आ गया पॉइंट? यस और नो जल्दी से बताएं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, फिर डाउट क्वेरी है तो बता सकते हैं डेफिनेटली। जल्दी से बताएं, क्लियर करें, ठीक है, याद रहेगा। जस्ट एक छोटा सा काम आप लोगों ने करना है। क्या करना है सर? बस हमें आज की क्लास के बाद जो अपना एक मॉड्यूल है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, बस एक बार रीड कर लेना, और कुछ मैनेजमेंट में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 30% ऑफ योर सिलेबस मैनेजमेंट थ्योरी। आप एम ही परेशान होते रहते हो, नहीं बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आइए ध्यान देंगे प्लीज, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ऐसी दूसरी तरफ जब मैं बात करता हूं तो कहां गया हमारा, अरे कहां गया, हाँ ये आ गया, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है, यहाँ पे बीच में शुरू हो रहा है। जब मैं आर्ट की बात करता हूं, देखो आर्ट यूजुअली जब हम बोलते हैं तो हमारे स्कूल्स में आर्ट का पीरियड लगा के करता था, आपका भी डेफिनेटली लगता होगा, और उसमें बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई पेंटिंग लेता है, कोई डांस लेता है, कोई सिंगिंग लेता है, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लेता है, ठीक है, अलग अलग चीजें जो है वो अप्लाई कर, मतलब सीखता है। ओके, दैट्स एन आर्ट। कोई बोले भाई, जैसे हमारे फिल्म एक्टर शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, अक्षय कुमार हो गया, ये एक्टिंग अच्छी करते हैं, तो ये क्या इनकी एक आर्ट है ना? कोई डांसर डांस बहुत अच्छा करता है तो वो क्या उसकी एक आर्ट है? कोई गाना बहुत अच्छा, अरिजीत सिंह गाना बहुत अच्छा गाता है तो वो क्या उसकी एक आर्ट है? राइट, समझ आ गया। अब ये बताइए, अगर मैं चलो ड्राइंग की बात कर लेता हूँ, ठीक है, मैं एक पेंटिंग की बात कर लेता हूँ। ओके, जब मैं पेंटिंग की बात करता हूँ और मैं आपसे बोलूं कि आपको पेंटिंग करनी है, तो सबसे पहली बेसिक चीज आपको क्या मालूम होनी चाहिए? सबसे पहले आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, कि भाई रंग कौन कौन से हैं, बेसिक रंग कौन से हैं, कब कौन सा रंग एक दूसरे से मिलेगा तो कौन सा बनेगा, इस तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आज आप मेरे सारे के सारे दोस्त, आज मैंने अभिनंदन से बोला, अर्पित से बोला, ठीक है, कि भाई चलो आज एक बहुत अच्छी MF हुसैन टाइप या कोई भी बड़ा आप पिकासो टाइप एक पेंटिंग बना के दिखाओ जरा मुझे, तो क्या बना दोगे आप? अगर मैं बोलूं कि आज आपने पहली बार ये कलम उठाई और चलो एक फटाफट एक फेमस राइटर के जैसे जरा एक बना के दिखा दो, तो क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या बना लोगे? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन बनाओगे, अच्छी पेंटिंग बनाओगे कब? जब रेगुलर बेसिस पर आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, अपनी अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी क्रिएटिविटी से सोचोगे कि इस पेंटिंग में और क्या बन सकता है। आपको याद होगा बचपन में हम सभी ने वो पेंटिंग जरूर बनाई है, ठीक है, वो कौन सी, कि आज हमारा ड्राइंग का पेपर है, वो पहाड़ बना दिए और वो पहाड़ों के बीच में से एक सूरज निकल रहा है, उसी के नीचे पहाड़ से वहां वो सांप की तरह हमने एक नदी बना दी, उसके बगल में एक झोपड़ी और एक पेड़ बना दिया। ये बनाइए कि नहीं बनाइए? ये सभी ने बनाई है। लेकिन आपने देखा होगा, हाँ आपने देखा होगा कि उस पेंटिंग में भी, उस ड्राइंग में भी समय रहते आपने बहुत इंप्रूव करा। पहले एक अजीब सा पेड़ बनाया, फिर दो तीन अच्छे पेड़ बनाए, ठीक है, फिर जो हमने नदी बनाई, पहले एक नॉर्मल सी बनाते थे, फिर हमने वो दो नदियां बनाई, उनका संगम दिखाया, फिर वो पंछी भी बनाए, तो इंप्रूवमेंट आती रहती है ना, वो कैसे, वो प्रैक्टिव से, क्रिएटिविटी से। ओके, और जिसकी जितनी अच्छी स्किल है, उतनी अच्छी वो पेंटिंग बनाएगा। तो ये सारे के सारे फीचर्स किससे जुड़े हुए हैं? सर आर्ट से जुड़े हुए हैं। क्लियर?
ये तमाम फीचर, ये सारे के सारे फीचर्स आपको मैनेजमेंट में भी देखने को मिलते हैं, ये सारे के सारे। सबसे पहला प्रैक्टिकल नॉलेज, अरे प्रैक्टिकल नॉलेज, नॉलेज अरे सबसे पहले पता तो होना चाहिए ना, सबसे पहले पता तो होना चाहिए ना कि करना क्या है। सो एक बेसिक नॉलेज आपको मालूम होनी चाहिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये बेसिक चीज मालूम होनी चाहिए। ओके, दूसरा स्किल, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस, सारे फीचर्स आ गए, सारे फीचर्स आ गए। मान लीजिए, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था कि मान आप दोस्त जो अभी इस टाइम पे क्लास देख रहे हैं, मान लीजिए आप सीएमए बन गए, ठीक है, और यहां पर मैं एक नाम ले लेता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम ले लिया, किसका, कहाँ गए मेरे सारे से, अर्पित का नाम ले लेता हूँ, मैं अभिनंदन का नाम ले लेता हूँ, ठीक है। अर्पित और अभिनंदन दोनों दोस्त हैं, दोनों सीएमए बन गए और दोनों अलग अलग कंपनी में पोस्टेड हो गए, और इनको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की जो मुहिम है वो दी गई कि संभालिए। अब मुझे बताओ सारे के सारे, क्या अर्पित का थिंकिंग लेवल और अभिनंदन का थिंकिंग लेवल दोनों सेम है क्या? एग्जैक्टली, क्या दोनों सेम तरीके से एक कंपनी को चलाएंगे? बोथ आर सीएमए, ओके, लेकिन इनका जो माइंड सेट है अपनी स्किल के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से डेफिनेटली अलग अलग होगा। तो कंपनी दोनों अलग अलग तरीके से चलेंगी, कंपनी में जो पॉलिसीज हैं वो अलग अलग तरह से बनने के पूरे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का जो काम है वो आपका पर्सनल लेवल पे काम देखा जाता है, उनकी पर्सनल स्किल क्या है, उनकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी क्या है। क्लियर? तो एग्जैक्टली सेम चीज, वो सारे के सारे फीचर जो आपको आर्ट्स में देखने को मिलते हैं, दैट विल बी द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। यस और नो, जल्दी से बताएं दोस्तों, ये वाला कंटेंट आपका समझ आया अच्छी तरीके से? ये बाकी सारे पॉइंट आपके बहुत ही सिंपल से हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैं फर्दर एक इंपॉर्टेंट कंटेंट पर आ रहा हूं, जो इस बार के सिलेबस में आपका ऐड हुआ था, मतलब न्यू सिलेबस में ऐड हुआ था, ठीक है, और इसको दोनों का अच्छे तरीके से क्या नाम है आपका पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से बताइए, सर यही सेम कंपनी में हुए तो ऑब्वियसली बच्चे, अगर सेम कंपनी में हुए तो इन दोनों में से कोई एक मैनेजर होगा, दोनों तो मैनेजर नहीं होंगे ना। और अगर दोनों सेम डिपार्टमेंट में है, दोनों की स्किल, सोच भले ही अलग अलग है, लेकिन इनको म्यूचुअल बेसिस पर एक जगह आना होगा और सिंगल पॉलिसी अप्लाई होगी। दो मैनेजर डिफरेंट पॉलिसी तो कंपनी तो नहीं चलेगी ना। तो भले अगर एक कंपनी में और भले ही विचार अलग अलग है, ओके, तो इन्हें म्यूचुअली अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक कॉमन गोल पर आना होगा। ओके जी, क्लियर? तो पहले वाले कंटेंट से, पहले वाले टॉपिक से पहला पार्ट हमने इसका कंप्लीट करा। कोई डाउट किसी के मन में है तो बताएं, फिर आगे इस वाले टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। यहां पर यस और नो कंप्लीट करें फटाफट से। इज ऑल क्लियर? ऑल टॉपिक क्लियर? ऑल पॉइंट्स क्लियर इन द फर्स्ट पार्ट? नो डाउट, चलिए बहुत बढ़िया। और बताइए जल्दी से, फिर हम सेकेंड नोट पर आते हैं, स्टडी नोट टू पर आते हैं, ठीक है। ऑल क्लियर, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। जस्ट प्लीज प्लीज सारे के सारे दोस्त मेरे, प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, आज ही कर लीजिएगा, मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा, बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टीवर्डशिप थ्योरी और एजेंसी थ्योरी, ये दो थ्योरी है। इसको लेकर दोस्तों हमारे मॉड्यूल में जो कंटेंट है ना वो थोड़ा कंजेस्टेड सा है, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज एक साथ इकट्ठी कर दी गई है। मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको दोनों की दोनों अप्रोच समझाने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टीवर्ड थ्योरी की बात करता हूं, और इस थ्योरी को समझने से पहले, थ्योरी में क्या है उस पर मत जाइए, पहले समझिए कि हेडिंग क्या है, मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। खाली इस वर्ड की बात करते हैं, स्टीवर्ड, ये क्या है, व्हाट इज स्टीवर्ड, और इस पर थ्योरी जो बनाई गई है वो क्या है। देखिए, आप सभी ने डेफिनेटली प्लेन में तो सफर करा ही होगा, आप में से ज्यादातर लोगों ने, और नहीं भी करा तो कोई बात नहीं, आपको बेसिक चीजें तो प्लेन के बारे में मालूम ही होंगी ना, कि प्लेन क्या है, उसके अंदर क्या, किस तरीके से काम होता है, वीडियोस वगैरह डेफिनेटली आपने देखी होंगी। तो देखो प्लेन में होता क्या, पहले तो स्टीवर्ड मीनिंग का इसका मतलब समझ लीजिए, ये है क्या, हम जब एक एरोप्लेन पे जा रहे हैं तो पायलट का काम है प्लेन उड़ाना, ठीक है, और लोगों का काम है अंदर बैठ जाना। इसके अलावा और कौन कौन होता है? बस इस तरह, यहाँ पे जिस तरीके से बस होती है वो वाला सिस्टम थोड़ी ना है कि खाली एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है, टिकट ले लो, एक चलाएगा, बाकी जनता अपने साथ आई बैठी, ऐसे तो नहीं होता। अब प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से एक प्लेन को मैनेज करा जाता है। तो पायलट है, उनका काम उड़ाने का है, जनता आ चुकी है टिकट लेकर, उसके अंदर जो प्रॉपर मैनेजमेंट है एक प्लेन के अंदर, लोगों को खाना देना वगैरह वगैरह, उनकी रिक्वायरमेंट को, उनकी नीड्स को पूरा करना,
वो एयर होस्टेस वर्ड आपने सुना होगा, तो एयर होस्टेस बेसिकली वर्ड इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए, गर्ल्स के लिए, ठीक है, फीमेल्स के लिए, और अगर वही चीज एक मेल होता है तो ये स्टीवर्ड वर्ड जो है उसी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसमें खाली ये सर्विंग का काम नहीं होता और बहुत सारी चीज होती है, तमाम चीजें होती है, ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ उसके अंदर आपका कंसिडर होता है, तो स्टीवर्ड बेसिकली वो लोग होते हैं, ओके। अब देखिए इन लोगों के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, जो पायलट है वो तो व्यस्त है ना प्लेन चलाने में, उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पीछे अगर प्लेन में कोई दिक्कत हो गई, किसी को पानी चाहिए, किसी को चॉकलेट चाहिए, किसी को खाना चाहिए, तो पायलट उठ के जाएगा कि भैया देखो प्लेन अभी अपने आप उड़ता रहेगा, मैं जरा इसको चॉकलेट पानी दे के आऊं, ऐसा हो सकता है? अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो जान पे आफत आ जाएगी, है ना, तो उसके लिए वो स्टाफ है। अब देखिए समझिएगा बात को, पायलट की जिम्मेदारी है उस प्लेन की, लेकिन उसके पीछे बाकी प्लेन में क्या हो रहा है उसने पूरा का पूरा काम सुपुर्द करा हुआ है अपने स्टाफ पर, कि यार ये सारे के सारे संभाल लेंगे, ये सारे के सारे देख लेंगे, जो वो प्लेन उड़ रहा है वो किसी ना किसी कंपनी का है, वो टाटा का है या इंडिगो का है, उन्हें पूरा भरोसा है कि ये लोग जो है संभाल लेंगे, ओके। तो ये जो आपका संभाल लेंगे वाला कंसेप्ट है स्टीवर्ड थ्योरी का, स्टीवर्डशिप थ्योरी का, ये प्लेन से ही आया है जो एक कंपनी पर लागू होता है, जो एक कंपनी के ऊपर लागू होता है। व्हाट इज दैट मीन, समझिएगा जरा इसको फटाफट से। जब मैं एक कंपनी की बात करता हूं, वी नो दैट देखिए ये कंपनी है, एक कंपनी है, ओके। इस कंपनी में पैसा लगा हुआ है किसका, शेयर होल्डर्स का, ठीक है, शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है, और खाली शेयर होल्डर का नहीं, बैंक लोन भी देता है, डिबेंचर्स भी इशू होते हैं, बॉन्ड्स भी इशू होते हैं, तो कुल मिलाकर आप इनको स्टेक होल्डर्स भी कह सकते हो, ठीक है, स्टेक होल्डर्स भी इनको कहा जा सकता है, ओके। तो इन सब लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगाया, ये कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, गुड बनाएगी, सर्विस बनाएगी, और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको बेचेगी अपना प्रोडक्ट और पैसे बनाएगी। जब ये कंपनी प्रोडक्ट तैयार करेगी उसके लिए पैसा चाहिए, मनी चाहिए, वो सारा का सारा किसने दिया, शेयर होल्डर ने दिया। तो सोचो जरा, ये जो कंपनी है इसको चलाने के लिए हमें मैनेजर्स की जरूरत है, हमें मैनेजर्स की जरूरत है, और अगर ये मैनेजर्स दोस्तों सही तरीके से काम ना करें, ये जो पैसा यहां पर आया, मैनेजर्स ने अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से बना के गलत फायदा उठा के पैसा खा लिया, और आगे आगे कंज्यूमर्स को अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया, प्रोडक्ट बेकार दिया, क्या कंपनी सरवाइव कर जाएगी? मुझे ये बताइए, क्या कंपनी सरवाइव कर जाएगी, यस और नो? कंपनी डूब जाएगी, डेफिनेटली डूब जाएगी, ठीक है। थोड़ी बहुत खुशी, थोड़ी बहुत तसल्ली, थोड़ी बहुत सुविधाएं, मौज किसकी होगी? सर इनकी हो जाएगी, पैसे खा गए भाग गए, लेकिन इनका नुकसान हो गया, इनके पैसे डूब गए, और जो कंज्यूमर है ऑब्वियसली उनका भी नुकसान, उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिला उनको, ओके। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये जो मैनेजर्स हैं ये अच्छे हों, ये भरोसे वाले हों, ओके, और ये कहें कि हाँ हम अपनी कंपनी बेहतरीन तरीके से, फर्स्ट क्लास तरीके से चलाएंगे, तो डेफिनेटली ये एरोप्लेन वाली बात आ गई दोस्तों। कंपनी टाटा की है, कंपनी इंडिगो की है, एयरलाइंस की, चला उसको पायलट रहा है जिसकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो लोग उस प्लेन में अंदर बैठे हैं, उनको सही सुविधाएं प्रोवाइड कराना, उसे डिसिप्लिन को मेंटेन करना, उसे डेकोरम को मेंटेन करना, वो किसका काम है? वो जो अंदर सारे के सारे स्टीवर्ड लगे हुए हैं, एयर होस्टेस लगी हुई हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि इन कस्टमर्स को सही सुविधाएं प्रदान कराना, क्योंकि ये खुश रहेंगे तभी कंपनी आगे बढ़ेगी, बराबर। तो दैट इज द लॉजिक ऑफ द स्टीवर्ड थ्योरी, और इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की बात कही गई है कि जो एक एरोप्लेन में होता है स्टीवर्ड, बेसिकली नॉट ओनली एरोप्लेन, जब ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, जब पानी का जहाज, अगर हम बात करें इसके शुरुआत वहां से हुई, बेसिकली जब एक शिप जो है वो यात्रा करने जा रहा है, तो एक हैंडल, एक कैप्टन साहब होते हैं जो देखेंगे क्या नियम है, बेसिकली किस तरीके से मैनेज होगा। टाइटैनिक पिक्चर आपने देखी होगी, लेकिन बहुत सारे स्टीवर्ड्स होते हैं जो बेसिक चीजों का ध्यान रखते हैं, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान करते हैं, और उन्हीं के दम पे वो प्लेन चलता है, खाली कैप्टन क्या ही कर लेगा, है ना।
ये थॉट आपका एग्जैक्टली इसी चीज पर बेस्ड है कि स्टीवर्ड थ्योरी जो हम एक प्लेन में अप्लाई करते हैं वो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई करनी चाहिए. ओके और इसी को लेकर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, आप अंडरलाइन कर लिया, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं. ठीक है, ये एक तो याद रखना थ्योरी किसकी है. दूसरा, द स्टीवर्ड थ्योरी एम्फसाइज दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन, समझिएगा, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं होनी चाहिए मैनेजर के बीच में और ओनर के बीच में. जिसने पैसा लगाया वो और जो उस कंपनी को चला रहा है वो, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. जहां कॉन्फ्लिक्ट आया कंपनी गई, कंपनी डूब गई. दैट ऑप्टिमम गवर्नेंस स्ट्रक्चर अलाउ कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली एंड ऑथराइज्ड मैनेजर टू एक्ट सिंस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दे आर नॉट अपॉर्चुनिस्टिक. अपॉर्चुनिस्टिक मत बनिए, ग्रीडी मत बनिए, अन्यथा कंपनी बेकार हो जाएगी. ठीक है, डन, समझा. लेकिन सर ऑर्डर तो कैप्टन ही देता होगा. नहीं बच्चे, ऑर्डर कैप्टन नहीं देता हर चीज के लिए, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा. वहां पे कुछ एक बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है. एक एक यार आपने स्कूल में देखा हो, मैं मॉनिटर की बात करता हूँ. ओके, आपके स्कूल में क्लास मॉनिटर होता होगा ना. अब क्लास में बच्चे शोर मचा रहे हैं तो मॉनिटर पहले क्लास टीचर से जाके पूछेगा क्या कि सर इनको डांटू के नहीं डांटू, इनको चुप कराऊं के नहीं कराऊं, ऐसा थोड़ी ना होता है. मॉनिटर, चलो ये तो बहुत बड़ा सिंपल बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया. जो मॉनिटर है आपकी क्लास का वो कौन है? वो स्टीवर्ड है. उसकी जिम्मेदारी है कि भाई क्लास टीचर ने उसको बोला कि आपकी जिम्मेदारी है डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे, बच्चे क्लास से बंक ना करें, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे. टीचर आएगा तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा हूं, उनको बताएंगे कि कितने बच्चे एब्सेंट है कितने बच्चे प्रेजेंट है. दैट इज द स्टीवर्ड थ्योरी. ओके, वही चीज यहां पर अप्लाई करने. और सोचो मॉनिटर चटक हो जाए तुम्हारा यारी दोस्ती में, अरे जाओ तुम बंक करो कोई दिक्कत नहीं मैं संभाल लूंगा, अरे शोर मचाओ यार, ठीक है, तो किसका फायदा किसका नुकसान? क्लास का डेकोरम खराब हो जाएगा, क्लास के बच्चे ढंग से पढ़ेंगे नहीं, उनके मार्क्स कम आएंगे, भविष्य खतरे में चला जाएगा. ऑब्वियसली दैट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट. ठीक है, डन. फिर तो क्लास अपनी है सर, तो क्लास अपनी है, ठीक है, समझ आ गया. लेकिन उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, आप ऑलरेडी जानते हैं इस चीज को, आप इसको जानते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये हमारी बेसिकली स्टीवर्ड थ्योरी है और इसका बड़ा सिंपल सा डायग्राम जो है आपके मॉड्यूल में दे रखा है, आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं. देखो दो लोगों का डायग्राम यहाँ पर बताया गया. ठीक है, एक तरफ ऑब्वियसली जिन लोगों ने पैसा लगाया शेयर होल्डर, और एक क्या है आपका स्टीवर्ड. ठीक है, तो जो शेयर होल्डर है वो अपनी ट्रस्ट, अपना मनी, अपनी पावर सारी की सारी किसको देते हैं? स्टीवर्ड. स्टीवर्ड से यहाँ पर मतलब मैनेजर्स हो गए जो कंपनी को चलाएंगे. ओके, और वो अपने मोटिवेशन से, खुद अपने मोटिवेशन से, उनको सैलरी अच्छी मिल रही है, कंपनी कल को परफॉर्म करेगी तो बोनस मिलेगा उनको, अपने प्रॉफिट्स मिलेंगे उनको, प्रॉफिट्स में से हिस्सा मिलेगा उनको. ठीक है, अपने मोटिव्स के लिए एक अच्छी वेल्थ, पैसा बनाकर वो शेयर होल्डर्स को दे. ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा स्टीवर्डशिप का डायग्राम जो है वो आपका बनाया हुआ है. यस और नो, ये अप्रोच आपको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताएं फटाफट से, जल्दी से बताएं फटाफट से, यस और नो. स्टीवर्ड थ्योरी ये बड़ी आसानी से सिंपल तरीके से हमने कवर करी. लॉजिक जो था इसका मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करा. बस मैंने बोला आपको लॉजिक मैं सारे आपको बहुत आसानी समझा दूंगा. आपकी द ओनली ड्यूटी यू हैव इज एक बार रीड, दैट्स इट. क्लास हुई एक बार रीड कर देना, कहीं से भी आप मॉड्यूल से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है. क्लियर, आगे बढ़ते हैं. अगली थ्योरी जो इस चैप्टर में हमारे पास है वो है एजेंसी थ्योरी. ओके, और एजेंसी थ्योरी समहाउ है तो स्टीवर्डशिप से रिलेटेड ही, ठीक है, स्टीवर्डशिप से रिलेटेड ही है. ठीक है, को मैनेजर बोल, ये बच्चे छुप गया, हेलो लिख दो, एक बच्चा हेलो लिख दो, ये चैट ऊपर आ जाए, नहीं खत्म ही हो गई. चलो आगे बढ़ते हैं. एजेंसी थ्योरी बेसिकली मिलती जुलती स्टीवर्ड थ्योरी से है, लेकिन ये थोड़ी सी नेगेटिव सोच रखती है. ठीक है, ये थोड़ी नेगेटिव सोच रखती है. नेगेटिव सोच रखना कोई बुरी बात नहीं है. ये कहती है ठीक है, हमारे मैनेजर्स अच्छे होने चाहिए, हमारे मैनेजर्स अच्छे होने चाहिए, लेकिन है क्या? चाहिए और होना में जमीन आसमान का फर्क है. तो होने चाहिए ठीक है, लेकिन है क्या? ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं पर भी एजेंसी वर्ड आ जाए तो उसके साथ हमेशा लिख लेना एजेंट, और एजेंट के सारे लॉजिक लगा देना, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा.
हु इज द एजेंट, हु इज द एजेंट, ध्यान दीजिएगा, जब मैं बात कर रहा हूं कंपनी के ओनर्स की, कंपनी जिन्होंने पैसा लगाया, कंपनी के ओनर्स की, तो उनके लिए एजेंट हैं उनके मैनेजर्स, उनके मैनेजर्स जो कंपनी को चलाएंगे। मैनेजर्स कौन होते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह कौन होते हैं, जो ओनर्स के बिहाफ पर, शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर, बिहाफ वर्ड आ गया ना, बिहाफ पर कंपनी को चलाते हैं, तो वो एजेंट हो गए। क्लियर? अब मुद्दा क्या है, ध्यान दीजिए जरा फटाफट से, आपको भाई क्या आप इस नाम को जानते हैं, स्टीव जॉब्स, क्या आप इस नाम को जानते हैं? सर आपके चैनल पर मैम की क्लास नहीं होती, एक मैम को भी रख लो, कोई लॉजिक इस बात का? ठीक है, मतलब मैम की क्लास होगी तो उससे क्या होगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा क्या, जेंडर देखकर आप पढ़ाई करते हो रमेश, कोई लॉजिक है इस बात का? कमाल है यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या ये नाम सुना आपने फटाफट से, स्टीव जॉब्स? सर डेफिनेट, बिल्कुल सही, नहीं मालूम होना चाहिए जिनको नहीं मालूम, माइक्रोसॉफ्ट कहां से आ गया। ठीक है, क्लियर। सुबोध कह रहे हैं यस सर, बहुत अच्छा। सुनिए बच्चे, इतना ये देखो फोन, आप लोग एप्पल के बारे में सब जानते हो, इतनी बड़ी कंपनी है, वो झूठा एप्पल जो आप लोगों को दिया जाता है इतना महंगा, ठीक है, वो किसका है, वो इन्होंने तो शुरू करा था, स्टीव जॉब्स ने, वो इन्होंने तो शुरू करा। ओके, तो सीधी सी बात क्या निकल कर आ गई यहाँ पे, स्टीव जॉब जो एप्पल कंपनी थी, जो फोन था छोटा, वो बेसिकली इन्होंने, वो इन्हीं की कंपनी थी। तो आई थिंक स्टीव वॉवरिक ऐसे वॉन्जिक, सॉरी स्टीव वॉन्जिक और अपना स्टीव जॉब्स और एक दोस्त और था इनका पॉल करके, इन तीनों ने कंपनी शुरू करी थी 1976 या 77, अब ज्यादा टेक्निकल इतिहास तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये कंपनी उन्होंने शुरू करी, बट हुआ क्या, कुछ समय बाद ना, अब कंपनी में जो शेयर होल्डर्स है वो कौन है, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिक, स्टीव वॉजनिक वॉज द नेम, और एक और दोस्त था शायद इनका, पॉल नाम था उनका, क्या था, इन तीन चार लोगों ने मिलके कंपनी बनाई। कंपनी के शेयर सारे के सारे इन्हीं के पास थे और यही कंपनी चलाते थे। कंपनी बड़ी हुई तो फिर इन्होंने क्या करा, कंपनी के बहुत सारे टास्क थे उनको पूरा करने के लिए अलग अलग मैनेजर्स को अपॉइंट करा गया, अलग अलग मैनेजर्स इन्होंने रखे। ठीक है, और दरअसल होता क्या है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जो मेजर शेयर होल्डर होते हैं, प्राइम शेयर होल्डर्स होते हैं, वो खुद भी मैनेजर बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा भाई रिलायंस में जो मुकेश अंबानी है, वो ऑब्वियसली शेयर होल्डर है, सबसे बड़े शेयर होल्डर वही है, लेकिन वो खुद कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, कंपनी के डायरेक्टर पोस्ट पर वो काम भी करते हैं। ठीक है, ओके, बहरहाल तो मैनेजर भी होते हैं। लेकिन हुआ क्या, कुछ समय बाद इनकी ही कंपनी से बाकी सब मैनेजर्स ने मिलकर स्टीव जॉब्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया। स्टीव जॉब्स रिमेन द शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर बने रहे, लेकिन बाकी सारे ओनर्स ने मिलकर जो है ना उनको बाहर का रास्ता दिखा कि जो आप जो पॉलिसी बना रहे हो वो अच्छी नहीं है, ये वो फलाना ढेम ठीक नहीं है, तो कुछ भी मतलब जो पॉलिटिक्स वगैरह हुई। ओके, स्टीव जॉब्स को बाहर जाना पड़ा, लेकिन ये भी बवाल आदमी थे एक नंबर के, इन्होंने फिर आगे चल के अपने इम्प्रोवाइजेशन करे, चेंज करे, और कुछ टाइम बाद इन्होंने इन सब ने मिलकर वापस बुलाया कि नहीं भाई तेरी जरूरत है हमें। ठीक है, बहरहाल ये एक स्टोरी हुई। ओके, द थिंग इज यहां पर अगर मैं यहां पे शिकायत नहीं करना चाहता कि ये मैनेजर पहले सही थे या गलत थे, व्हाटएवर, बट द थिंग इज ड्यू टू सम रीजन कंपनी सफर्स, ये मैनेजर ग्रीडी हो गए थे या पॉलिसी अच्छी नहीं बना रहे थे या कुछ भी थे, कुल मिलाकर इनके ओनर्स के बीच में और मैनेजर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गए। क्या क्रिएट हो गए? कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की वजह से कंपनी सफर कर गई। उस बाद में ग्रो करी वो एक अलग बात है, लेकिन उस टाइम के लिए तो सफर कर गई ना। और ऐसा बहुत सारी कंपनीज में होता है, तो कुल मिलाकर जो दोनों थ्योरीज, स्टीवर्ड वाली भी एजेंसी वाली भी, वो दो लोगों पर डिपेंडेंट है, एक ओनर और एक उनके आपके मैनेजर्स। ओके, मैनेजर्स जिनको बोला गया कि आप एजेंट के रूप में काम करेंगे, वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज को जांचना, इस चीज को सॉल्व करना इज एजेंसी थ्योरी। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया, क्लियर। तो ये बेसिकली एजेंसी थ्योरी, ये थ्योरी क्या है एजेंसी थ्योरी, मैंने बोला ना, इट इज ऑलवेज बिटवीन टू पीपल, कौन, ओनर और दूसरे आपके मैनेजर, जिनको एजेंट का नाम मैं दे रहा हूं इस थ्योरी के हिसाब से। ये थ्योरी कहती है रिश्ते खराब दो तरीके से होते हैं, ठीक है, एक टाइप वन और एक टाइप टू।
रिश्ते खराब होते हैं दो तरीके से, टाइप वन और टाइप टू। टाइप वन क्या है? एजेंसी प्रॉब्लम। कहां गया? अरे हाँ, टाइप वन एजेंसी प्रॉब्लम। अरे अरे हाँ, ये आ गया। अरे कहां पर लिखा था? टाइप वन एजेंसी प्रॉब्लम, टाइप टू एजेंसी प्रॉब्लम, द हार्ट ऑफ द एजेंसी प्रॉब्लम। मैंने अंडरलाइन तो कर, हाँ ये रहा, ये रहा। रेड पेन ले लेते हैं। ओनर मैनेजर कॉन्फ्लिक्ट, ओनर और मैनेजर कॉन्फ्लिक्ट, उसे टाइप वन कहा गया है। जब मैनेजर के बीच में और ओनर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, दरार हो, तो उस चीज को टाइप वन कहा जाता है। तो सर टाइप टू कौन से हैं? ध्यान दीजिए, व्हाट इज टाइप टू, व्हाट इज टाइप टू। ये मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी है। इस कंपनी के लगभग 60% शेयर्स, 60% शेयर्स जो मुकेश अंबानी है वो और उनके जान पहचान वालों के पास है, 60% शेयर। कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है, FIIs जिनको कहते हैं, ठीक है। और यहां पर मेरे जैसे आपके जैसे लोग जो शेयर खरीद के बैठे हैं, मैंने मान लीजिए 10 शेयर खरीदे हुए हैं, आपने 5 शेयर खरीदे हुए हैं, तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा पब्लिक के पास है। दरअसल जो आप देखते रहते हैं ना, ये मार्केट में शेयर्स के जो स्टॉक हैं, जो खरीदे बेचे जा रहे हैं, ये आम जनता जो खरीद बेच रही है, बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। ज्यादातर जो शेयर्स हैं वो तो ट्रेड ही नहीं होते। इन शेयर्स को कहा जाता है प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर्स होल्डिंग। ये मार्केट में ट्रेड ही नहीं होते, ये तो मुकेश अंबानी जी अपने पास रख के बैठे। हालांकि 60% नहीं है, कम है काफी, ठीक है, लेकिन जान पहचान वालों के मिला के 60% के आसपास है। ओके, हम जैसी पब्लिक, आप जैसी पब्लिक, वो सिर्फ ये है, मामूली सी, ये बहुत कम परसेंटेज, 5% 10%। क्लियर दोस्तों? ये जो लोग हैं प्रमोटर होल्डिंग, जिनके पास ज्यादा शेयर्स हैं, इनको कहा जाता है आपका मेजॉरिटी, मेजॉरिटी। और जिनके पास कम शेयर हैं उन्हें कहा जाता है माइनॉरिटी। अब मुझे ये बताओ, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी, कंपनी के ओनर कौन है? मेजॉरिटी है कि माइनॉरिटी है? कौन है कंपनी के मालिक? कोई मैं बोलूं कि रिलायंस कंपनी का मालिक कौन है, मेजॉरिटी है कि माइनॉरिटी है, कौन है, किसको बोलोगे? हु इज द ओनर ऑफ रिलायंस इंडिया लिमिटेड? तो आप कह रहे हो मेजॉरिटी, जो कि गलत है, गलत है। अरे ये भाई साहब मैं भी हूं, मैंने 10 शेयर अगर कंपनी के खरीदे हैं तो आई एम ऑल्सो द ओनर ऑफ रिलायंस इंडिया लिमिटेड। दोनों है, एग्जैक्टली दोनों होंगे, ओनर दोनों है। सवाल यह है कि चलेगी किसकी ज्यादा, सवाल क्या है, चलेगी किसकी ज्यादा। ओके, तो यकीन, जब इतने सारे ओनर होते हैं और हमें कोई डिसीजन लेना पड़े, तो डिसीजन किससे होता है? वोट से होता है, कि भाई वोट दो कि भाई ये डिसीजन ठीक है या नहीं है। तो और जायज सी बात है सर, फिर तो फिर मेजॉरिटी की ही सुनी जाएगी। मैंने तो बस शेयर्स नाम के लिए खरीद रखे, कल को बढ़ेंगे तो बेच दूंगा, वरना मुकेश अंबानी जी मेरी थोड़ी ना सुनेंगे कि भाई साहब वो फोन में वो वाला फीचर डाल दो या ये वाली पॉलिसी बना दो, बढ़िया चलेगा, ये थोड़ी ना चलेगा। क्लियर? तो क्योंकि इन्हीं की ही चलती है, क्योंकि इन्हीं की ही चलती है, तो इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो इनको टाइप टू कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? टाइप टू। जब ओनर और मैनेजर के बीच में दिक्कत आए तो वो है आपका टाइप वन। और टाइप टू है जब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। और एजेंसी थ्योरी इन्हीं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, एजेंसी थ्योरी इन्हीं चीजों को रीड करने के लिए, इन्हीं पॉइंट्स को रीड करने के लिए बनी है कि हमें प्रॉब्लम्स पता लगानी है, कहां पे कॉन्फ्लिक्ट है और कहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। क्लियर? बराबर समझ आ गया? Yes or no? एजेंसी थ्योरी, कहां पे कॉन्फ्लिक्ट है और कहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इस चीज को पता लगाने के लिए आपको अपनी कोई पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, आपको कोई तरीका आजमाना पड़ेगा, उसके लिए पैसा खर्च होगा, और उस पैसे को जो खर्च हुआ है कहा जाएगा एजेंसी कॉस्ट। यहां पे बड़ा छोटा सा पॉइंट बोला गया है आपके बारे में, एजेंसी कॉस्ट। तो एजेंसी थ्योरी को एक सोफिस्टिकेटेड वे में आपके मॉड्यूल में नहीं लिखा गया है, इसीलिए मैं आपको स्पेशली यहां पे मेंशन करवा रहा हूं। एजेंसी थ्योरी बेसिकली है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट, एक मैनेजर अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका इरादा सही है कि नहीं, वो डिसीजन सही ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो क्या करना पड़ता है,
क्या करना पड़ता है, चेक करवाना पड़ेगा। चेक करवाने के लिए आपको एक कमेटी बनानी पड़ती है, एक समिति बनानी पड़ती है, उसके लिए पैसा खर्च होता है। तो एजेंसी कॉस्ट उसका खर्चा होता है। जिस कंपनी में एजेंसी कॉस्ट ज्यादा होगी, जहां पे हम ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं कि मैनेजर का पता लगाने के लिए सही काम कर रहा है बुरा काम कर रहा है, तो डेफिनेटली उस कंपनी में दिक्कतें भी कम आएंगी। और जहां हमने खुला छोड़ दिया, जहां हमने खुला जाए चलो छोड़ो क्या कर करने दो काम, तो वहां पे दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं। दैट इज द मेन टारगेट ऑफ एजेंसी थ्योरी, जो एजेंसी कॉस्ट के जरिए कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करती है। सर लेकिन उतना फर्क तो नहीं पड़ेगा टाइप टू में, कंपनी फिर दोबारा इशू कर देगी शेयर्स मार्केट में? देखो ऐसे कंपनी नहीं चलती बच्चे, मेजॉरिटी में बात सुनिए ना, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का बुरा करके क्या कर लेगी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का नुकसान करने के लिए गलत डिसीजन लेगी क्या? अगर कल को वो गलत डिसीजन लेगी तो कंपनी ओवरऑल डूबेगी, वो अपना नुकसान क्यों करवाएंगे? तो ऐसा यूजुअली होता नहीं है, लेकिन हाँ कई बारी गलत लोगों की अपॉइंटमेंट होना, पैसे को सही जगह पर, जो सीएसआर फंड वगैरह होता है उसको सही जगह पर खर्च ना करना, इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन आजकल के टाइम पे इतना कुछ बड़ा इशू होता नहीं है। शेयर होल्डर समझदार है, इन्वेस्टर समझदार है, उन्हें लगता है कि गड़बड़ है, पैसा निकाल के बाहर होते हैं। आफ्टर ऑल वैल्यू मेजोरिटी वालों की कम हो जाती है, तो वो सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल यस, जो मॉड्यूल में बच्चे वो काफी है, जितना मैं बता रहा हूं उतना शॉर्ट तरीके से पढ़ो। ओके, तो मुझे ये बताइए, स्टीवर्ड थ्योरी और एजेंसी थ्योरी दोनों का लॉजिक आपको समझ आ गया? दोनों को समझाने के लिए एक डायग्राम भी, ये वाला डायग्राम बेकार है, पता नहीं क्यों डाला है, एक डायग्राम एंड में दिया हुआ, इसको समझिएगा। ठीक है, इसको समझिएगा। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल सा है, और मेरे हिसाब से इसमें से क्वेश्चन है वो आना चाहिए। देखिए यहाँ पे ना, क्लियर हो जाए भाई, यहाँ पे डायग्राम ये पूरा कंप्लीट नहीं है आपके मॉड्यूल में, इसको कंप्लीट करता हूँ, एक बार साफ आ जाए थोड़ा सा, लिख भाई ऐसे ही आएगा क्या? देखो ये फर्म परफॉर्मेंस है आपके, अगर मॉड्यूल खुला हो फर्म परफॉर्मेंस है, लेकिन यहां पर नहीं लिखा हुआ ये क्या है, तो ये मैं लिख दूं यहां पे गवर्नेंस, मतलब एक तरह से जो कंट्रोल कर रहे हैं, सिस्टम को चेक कर रहे हैं। तो ये एजेंसी थ्योरी है, एजेंसी थ्योरी कहती है जितनी ज्यादा गवर्नेंस होगी, जितना ज्यादा एजेंसी कॉस्ट पे खर्चा होगा, जितना ज्यादा चेकिंग होगी, उतना जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी, उतनी फर्म की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी। ओके क्लियर, ये उतनी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है, लॉजिक सा है। स्टीवर्ड थ्योरी में इसका उल्टा है, वो कह रहे हैं कि आप खामा खा ज्यादा प्रेशर अगर डालेंगे गवर्नेंस के थ्रू तो उसके थ्रू परफॉर्मेंस कम होगी। ठीक है, स्टीवर्ड थ्योरी का ये कहना है। अब सवाल आपका ये होगा कि सर फिर हमने दो थ्योरी पढ़ी, दोनों में लगभग एक ही चीज पढ़ी, दोनों में ओनर और शेयर होल्डर की हम बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन दोनों का रिलेशन बिल्कुल उल्टा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आपने लॉजिक समझाया और लॉजिक भी अप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हम ये कैसे कहेंगे कि दोनों में से कौन सी सही है और कौन सी गलत है, जब दोनों का इसका मतलब तो फिर तो कोई एक ही सही होगी। तो देखो ऐसा नहीं है, दोनों की दोनों थ्योरी जो है वो सही है, वो गलत नहीं है, सही है। डिपेंड करता है कि बिजनेस का जो नेचर है वो क्या है, ध्यान दो, जैसे मैं बात करूंगा टाटा की। ओके, तो टाटा की अगर मैं बात करूं, मोटर्स है, स्टील है, ठीक है, आपके जो एसेसरीज हैं, ह्यूमन वेयर्स हैं, सॉल्ट है, पावर है, ओके, ये सारी किस, ना जाने कितनी कंपनीज है, ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, इतनी सारी इनकी इन्वेस्टमेंट है, इन सब कंपनीज को चलाने के लिए टाटा को स्टीवर्ड थ्योरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कि हमने अपने जिम्मेदार नागरिक भेज दिए हैं, अपने आप चलाइए, दैट इज स्टीवर्ड थ्योरी, हमें भरोसा है आपके ऊपर। लेकिन जब एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी तो उन्हें वहां पर एजेंसी थ्योरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें तो बेसिकली एक स्पेसिफिक एरिया पर टारगेट करना है ना, उन्हें तो पता लगाना है कि मेरी कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो एक्चुअल में काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
ओके सो ये दोनों के दोनों थ्योरी आपकी सही है। अब टाटा के जो हेड्स हैं वो जबरदस्ती यहां पर उंगलियां करने लगे, परेशान करने लगे, तो फिर तो दिक्कत आएगी ना, फिर तो दिक्कत आएगी, फिर तो परेशानी आएगी। तो इसीलिए दोनों थ्योरी सही है, स्टीवर्ड भी और आपका एजेंसी भी, डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, और उसके हिसाब से फिर जो थ्योरी है वो अप्लाई होती है टू स्टडी द बिहेवियर। यस और नो दोस्तों जल्दी से बताएं। यहाँ पे मैंने हमने आज अपने दो पहले नोट्स जो हैं वो कंप्लीट करे, ठीक है। इसके ये वाला टॉपिक इसमें नया था, मैनेजमेंट वाला तो डेफिनेटली इजी है, और इसके बाद फिर हम अपना जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन वाला कंटेंट है वो जरूर कवर करेंगे। ओके, क्या ये वाला कंटेंट स्टडी नोट 1 और 2 आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया दोस्तों? प्लीज यस और नो जल्दी से कंफर्म करके बताइए मित्रों, ठीक है। और अगले वाला टॉपिक हमारा आगे सिंपल हो जाएगा, ठीक है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन वाला करेंगे, बड़ी आसानी से वो टॉपिक कवर होगा। ये वाला टॉपिक नया था, अक्सर आपकी भी क्वेरी रहती थी इसमें कि सर ये वाला टॉपिक कैसे करें, तो सिंपलेस्ट वे में, आई डोंट थिंक इससे आसान तरीके से आप इस टॉपिक को करो, बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके से आपको बता दिया। जस्ट रीड कर लेना, आज ही रीड कर लोगे सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। मैंने स्टीवर्ड का मीनिंग आपको बता दिया, एजेंसी का मीनिंग आपको बता दिया। ओके दोस्तों, ठीक है, चलिए डन, वंडरफुल, ये टॉपिक हमारा डन होता है। नेक्स्ट क्लास में 3 स्टडी नोट 3 से हम कवर करेंगे, एंड लीडिंग मतलब डायरेक्टिंग होता है, लीडिंग इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। बच्चे डायरेक्टिंग के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लीडिंग उसका एक पार्ट होता है, ठीक है। हाँ जी बच्चे, कंटिन्यू रहेगी, अपना शेड्यूल जैसे है आप लोगों के साथ शेयर हो ही रखा है। ओके, बीच में थोड़ा 2-3 दिन बिजी था इसलिए आपकी क्लास नहीं हुई। ओके, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, प्लीज टेक केयर, टॉपिक को रिवाइज करिएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले कंटेंट में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।